दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। कार्रवाई के दौरान हमने जो अभी चिट्टे के केसेस पकड़े हैं, इसमें हमने सबसे पहले एक 9.54 ग्राम के साथ एक लड़के को पकड़ा था, जिसमें दो लड़के थे, ये शोगी में इनको पकड़ा गया था। तो इसको जब हमने बैक ट्रैक किया, जब इसमें हमने बैकवर्ड लिंकेजेस शुरू की, तो हमें ये पता चला कुछ एनालिसिस करने पर कि ये जो चिट्टा है ये दिल्ली से लेकर आए हैं और किसी अफ्रीकन नेशनल से, नीग्रो से लेकर आए हैं। तो हमारी SIU की टीम, साइबर सेल की टीम और पुलिस चौकी शोगी की टीम जो है इसमें कार्रवाई करते हुए दिल्ली गई और कल रात को दिल्ली के, कल सुबह इन्होंने दिल्ली में उधम नगर से, उत्तम नगर से जो हमारे अफ्रीकन नेशनल है नाइजीरियन एलेक्स नाम से, इनको अरेस्ट किया है। 23 ईयर्स इनकी एज है और इनके पास से उस दौरान भी वहां पे 27.23 ग्राम चिट्टा जो है रिकवर किया गया है। एक दूसरा केस जो हुआ था उसमें HRTC की बस में 19.54 ग्राम चिट्टा हमने पकड़ा था, जो कि बिलासपुर से, हमीरपुर से रिकांगपियो की तरफ जा रही थी। और इस दौरान जो, जब इस केस में हमने बैकवर्ड लिंकेजेस की, तो हमें पता चला कि ये जो चिट्टा है ये किसी कुरियर कंपनी के थ्रू जो है बिलासपुर आया और बिलासपुर से ये सप्लाई करने के लिए शिमला आ रहे थे। तो इसमें बैकवर्ड लिंकेजेस करते हुए हमने बिलासपुर से भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है और जो रोहतक से इन्हें सामान भेजते थे उन्हें को भी वहां से भी अरेस्ट किया है। सर, इसके अलावा चिट्टा तो ही है, उसके अलावा और भी नशे के पदार्थ की बात करें, चाहे वो चरस है चाहे वो लिकर है, सर उसमें क्या आगे अपडेट है? पुलिस ने अभी एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए, शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें कुमारसेन थाना के अंतर्गत जो है हमने 1 किलो 290 ग्राम जो है चरस पकड़ी है एक नेपाली से, जो कि बस में इसको लेके जा रहा था और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो कहां से लाया था और किसे देने वो जा रहा था। सर, अगर बात करें जिस तरह से, देखिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ साथ शिमला पुलिस जो है नशे के खिलाफ जो है कठोर से कठोर कदम उठा रही है और किसी भी तरह से कोई भी नशा जो बेचने वाले हैं और नशा करने वाले हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। तो इसी कड़ी में हमने अभी जो बैक ट्रैक करके केसेस पकड़े हैं, जो जहां से ओरिजिन इसका हो रहा था, जो लेके आ रहे थे उनको हमने पकड़ा है और जहां से इनको भेजा जा रहा था उनको भी पकड़ा है। तो पुलिस की ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के जो केसेस होंगे उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ये NDPS एक्ट है, जो हमारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, इसके अंदर जो है इनको रजिस्टर किया जाता है अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।